जहां एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर भारतीय समाज में मौजूद जाति भेदभाव पर बहस छेड़ दी है। स्कूलों में मिड डे मील योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों तक लाना है, लेकिन यह खबर जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस बार बच्चों ने मिड डे मील खाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि खाना बनाने वाली महिला दलित जाति से संबंध रखती है। टीकमगढ़ के इस स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली महिला दलित है, इसी के चलते बच्चे और उनके परिवार वालों ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। बच्चों का कहना है कि वो किसी नीची बिरादरी की महिला के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते। खाना बनाने वाली महिला के बेटे के मुताबिक कुल बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चे मिड डे मील का खाना खाते हैं, बाकी ऊंची जाति के बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे क्योंकि तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो। उनकी माँ घर पर खाना बनाती है। दरअसल यहाँ मिड डे का खाना किसी दलित के घर पकाया जाता है। इस मामले पर हेडमास्टर ने कहा कि खाना स्कूल के किचन में बनना चाहिए, किसी के घर में नहीं। खाना किसी के घर में बना है इसलिए बच्चे हिचकिचा रहे हैं। अभी तक मिड डे मील की गुणवत्ता और इसमें व्यापक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन खाना बनाने वाले की जाति को लेकर मिड डे मील का बहिष्कार कर देना अपने आप में समाज में फैली जातिवाद मानसिकता को दिखाता है। देखते रहिए डीबी लाइव।